भैया इंपीरियल इंपीरियल सलमान भाई से बाल कटवा चुके हैं। भाई बाल बहुत बड़े हो रहे थे और इसलिए कटवाने पड़े, ज़्यादा ही ग्रोथ हो गई थी बालों की। घर वाले भी कह रहे थे भाई कटवा दी बाला। भाई ये कैमरा ख़राब हो चुका है, सेल्फी कैमरा, तो हम दूसरी का कर ले। तो आपको पता ही, देखो भाई कैमरा ख़राब है। और हाँ एक बात और भाई, जो मैंने दो ब्लॉग एक साथ अपलोड करे थे ना, एक तो 21 अप्रैल का है और जो एनिवर्सरी वाला ब्लॉग था ना पापा मम्मी का, भाई वो 20 अप्रैल का था। तो मैंने 21 को अपलोड करा था क्योंकि ध्यान नहीं रहा था, रात को ज़्यादा हो गई थी ना यार, इसलिए तो डेट डालनी गलत हो गई थी। हो जाती यार कभी कभी। अरे रात मतलब ज़्यादा पार्टी। अरे भाई अरे भाई अरे भाई ये अरे भाई इस टाइम में मजा आएगी भाई, घुटने चिल जाएंगे तेरे, रायता फैल लगा, ऐसे नहीं करते। लेकिन अच्छा करा बंदे ने, ये मेरे पास ही आया था वैसे सीखने। नहीं कर सकते अगर हम भाई प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। मैं भगा लूंगा अगर मुझे ऐसी साइकिल मिल जाए, पीछे को बैलेंस देके आगे को भगा लूंगा। और फिर मैं उसके नीचे पत्थर लगा दूंगा। मैं कह रहा हूँ ये बाइक को भी ऐसी उठा रहा है भाई। लेकिन देखो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर जरा सी भी कुछ हुआ ना भाई, भाई दुरुफ का देखा हड्डी पैर की, उसके बारे में सुना यार बड़ा लगा। मुझे मन्नू ने बताया तो पता है, मैं अगले दिन मन्नू से कह रहा ये दुरुफ के बारे में पता है, कह रहा क्या ये, कह रहा रैप्ट इतने मारूंगा, मैंने तो तुझे बताया। मैंने हाँ यार भूल गया भाई, मैं तभी दिख भी नहीं रहा यार। तो देखो दोस्तों हमारी लाइफ में बस तीन ही अच्छे दोस्त हैं, पहले नंबर पर कृष्णा भाई, दूसरे नंबर पर मन्नू भाई और फिर एक अंकित भाई, और यही हैं सबसे बेस्ट दोस्त मेरे। ज़्यादा व्यूज़ आए भाई एकदम, देखना तुम जाते व्यूज़ बहुत अच्छा है उसका। और ये क्या आ गया, ये एडिट करे हुए भाई, इतने ऐसे तो हॉर्न बजा के चलते हैं लोग। कितने कितने आ गए भाई, 100 प्लस देख हुए पता चल गई, बता दो दे 1 मिलियन सच्ची में। तो हम कृष्णा भाई हरे रोज हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये देखो मैंने यहाँ पे प्रगति पे कार्य चल रहा भाई, ये नया सिस्टम करा रहे हैं हम, इसको थोड़ा अच्छा करवा रहे हैं दीवार को, ठीक है ना यार, काम बढ़िया चल रहा है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट आया था मैंने ठीक करवाओ भाई दीवार को, ऐसा नहीं करना चाहिए दीवार भाई। कल यहाँ पे सच्ची में मोर की आवाज आई यार, तू ब्लॉग में देखना भाई। अच्छा, हाँ भाई यहाँ पे चील भी होती है, चील की आवाज अलग होती, मोर की समझ में ना आती। हाँ यार रियल में मोर की आवाज थी भाई, अंकित भी कह रहा है ये बात, लेकिन दिखा नहीं सही से, मुझे लग रहा है तो घर में होगा इनके। भाई पाल भी सकता है, कोई पालते भी नहीं मोर, ऐसी बात नहीं है, आजादी देते हैं खुल के उसे, कोई दिक्कत नहीं है पालने में। मोर तो आजाद दे रहता है भाई, देख पाल भी सकता है छोटी सी जगह में, तो वो मैं कह रहा हूँ ऑफ रोडिंग के लिए ये कार ले लें, ऐसी रहेगी बहुत बढ़िया रहेगी।
लेकिन यार मुझे मॉडिफाई बहुत कराना पड़ेगा। सही है, ठीक ठाक है, मॉडिफाई करनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, अब जब भी कहीं जाना होगा ऑफ रोडिंग के लिए तो सौरभ भाई के साथ जाएंगे। अरे मजा, छोटे ब्लॉग है अभी, जब छोटे ब्लॉग है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं पता भाई सबको ऐसा। यार ये पता है, ये जो बोट है ना यार, ये बड़े लगता है मुझे उतरते हुए मनोकामना श्री हनुमान प्राचीन मंदिर, जैसा हरिद्वार में लगते हैं ना भाई, ऐसे सेम लगता है जैसे हरिद्वार से आ रहे हो। पता है यार मेरा आपकी बार मन कर रहा है यार, जून में यार हरिद्वार जाऊँ यार, घूम के आओ यार। बिल्कुल क्यों नहीं, जैसे पहले तो जाके एक दिन आराम करो, अगले दिन चंडी देवी जाओ, फिर मनसा देवी जाओ, फिर उससे अगले दिन निकल लो ऋषिकेश। अरे फैमिली के साथ ही कह रहा हूँ भाई, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। हाँ भाई दोस्तों देखो, मुझे ना भाई एक ही बाइक अच्छी लगती है भाई, ये है R15 भाई। जिस दिन मैंने ये ले ली ना, जरूर लूँगा यार, ये बहुत कूल लगती है भाई। कृष्णा भाई लें से, अरे लेंगे यार, पैसा जल्दी भाई लेंगे ज़रूर। अगर कुछ ब्लॉग्स में देखना चाह रहे हो आप इस बाइक को, तो समझ गए होगे आप क्या करना है। आओ फिर आगे कृष्णा भाई, देखो भाई एक स्टॉल मतलब शॉप ये लगी पड़ी है, एक उधर लगी पड़ी है, यहाँ पे डर गया है, क्या हो रहा है भैया। ये देखो भाई कैसे धुआं निकल रहा है, किसी ने हाथ रख दिया, ठंडे हो जाएंगे उसके हाथ और कुछ ना हो। एक शॉप भाई ये है, और आगे की शॉप मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि नॉन वेज की है, बंद करते हैं। चलो कोई नहीं, अगर यहाँ पे और लग गए तो अलग ही हो गया। हाँ भाई जिसको भी साड़ी मतलब अपने घर में फैमिली के लिए किसी के लिए जाने, भाई ये भी बढ़िया देता है। आगे भी आता भाई रंगोली वाला, यहाँ पे साड़ी वाली शॉप आती है। इधर ही चल रहे हैं, हाँ इधर ही चल रहे हैं। ये जी बिंदास वाले के भी कपड़े अच्छे होते हैं, लेकिन महंगे बहुत देता भाई ये, मेरा मानना तो ये है भाई, नॉर्मल कपड़े लो वो भी बढ़िया। जैकेट ली इतनी महंगी जैकेट ली भाई। ये देखो भाई साड़ी वाला भी यहाँ पे आता, और ये हमारा एंग्री ओवन, ये देखो। मैंने तो एक दो बार पिज्जा खाया है। देखो वैसे बाहर की चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए कभी कभी तो खा सकते हैं, कभी कभी महीने सालों में खा लो एक बार बस। ये हमारा कक्कड़ वाला भाई, आज मैं थोड़ा परिचय करा दूँ सिटी से, है ना, कभी आप आओ कोई किसी चीज़ तो फिर पता तो रहेगा कि यहाँ पर ये चीज़ की शॉप है, यहाँ पर ये चीज़ की शॉप है। ये दो बच्चों के लिए, पहले मैं यहाँ से बंदूक लेके जाता था मिठाई वाली वाली शॉप से। आओ भाई और यहाँ पे लाइन से भाई सब साड़ियों की दुकान आ रही है नहीं, बस एक दो बीच में पड़ेगी बिग बॉस और ये देखो भाई और कॉस्टली बहुत देते हैं। इस मार्केट का मालिक एक ही है इस टाइम, दिवाकर जी हैं इस मालिक के मालिक। हाँ तुम्हारे भी तो ग्रुप में आ रहे हैं वो। ये भाई कारवार की सजावट हो अगर यहाँ से सजा, से भाई इसके अंदर बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत सारी शॉप मिलेंगी, बहुत सारी। हाँ और नीचे जिम भी है, माई जिम, मेरा जिम आपकी दुकान तो भाई रंगोली है भाई। अब मैं बंद कर लूँ क्योंकि अब कुछ होने वाला है। तो गुड नाइट यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल को नए ब्लॉग के साथ भाई, अंधेरे से निकलना पड़ता है इसलिए मिलते हैं फिर कल को, देखते हैं कल का दिन कैसा होता है, आज अल्फा भी नहीं गए, मिलेंगे फिर कल को।